आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारा आज ये कार्यक्रम हो रहा है जनमानस को इसके प्रति जागरूक करने का, जिससे कि हम लोगों को ये सब जनता को पता लगे कि पर्यावरण के खिलाफ हम लोग कितना बुरा काम कर रहे हैं और उसको बिगाड़ रहे हैं। और जब ये समझ में आ जाए कि हम पर्यावरण को ख़राब कर रहे हैं, समस्या क्या है, तब उसका समाधान भी समझा रहे हैं कि इसका समाधान क्या होना चाहिए। ख़ासतौर पर प्लास्टिक्स का जो इस्तेमाल कम हो और प्लास्टिकों का निस्तारण कैसे किया जाए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून है। WHO जो है पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मना रही है और ये एक जागरूकता का अभियान है। लोगों को अवेयर करना है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है, और पर्यावरण खतरे में है तो अब पूरी मनुष्य जाति खतरे में है। मनुष्य जाति क्या, सारी जातियाँ, सब जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सबका हम लोग उनकी लाइफ जो है खतरे में डाल रखी है हम लोगों ने। तो इसके वजह से ये हम एक पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मूल कारण जो पर्यावरण का है, जिसको दूषित होने का, वो है, वो एक तो पेड़ की जो हम लोग कटिंग कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो हैं बेइंतहा काटे जा रहे हैं। ये आज जो है पर्यावरण दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में हमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन टॉपिक रखा था कि प्लास्टिक और पॉलिथीन से क्या क्या हानि होती है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी हेल्थ को, और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं निजात पाने के। देखिए, हमने एक तरीका निकाला है इको ब्रिक्स बनाने का, ठीक है। वैसे तो आपने सुना होगा इसे रोड बन रही हैं, लोग कारपेट्स बना रहे हैं, चादरें बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, पर हमने एक मुहिम छोड़ी जिसमें हम इको ब्रिक्स बना सकते हैं। और ये हर बच्चा, हर नारी, हर शख्स अपने घर में कर सकता है। आपको करना क्या है, इसके लिए अपनी रसोई में एक छोटा सा प्लास्टिक कॉर्नर बनाइएगा।